हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, संगवारी हो। तो आज है मांग महीना के प्रथम सोमवार, तो आज के दिन बहुत ही खास है संगवारी हो। अगर गुरुजी हा अपन हर कथा में मतलब दीपदान के महत्व ला बताते कि हमर शास्त्र में दीपदान करना कितना मतलब महत्वपूर्ण है और कितना ही लाभदायक है, कितना पुण्य प्राप्त होते दीपदान करे से। तो आज सोमवार के दिन में अगर आप मन कुछ कर सको या ना कर सको संगवारी हो, ये तीन जगह जरूर करके दीपदान करूँ। ये दीपदान करे से मन ला शांति तो जरूर मिलते, साथ में ही घर में भी खुशहाली आते, जो घर के जो पूर्वज है वो ओखर मन के भी आत्मा ला शांति मिलते, घर में खुशियां आते, रोग और कर्ज से मुक्ति मिलते संगवारी हो। तो हमन तो अपन घर के मंदिर में हमेशा दीपक जलाथन ही, तो क्यों ना आज ये तीन जगह आटा के दीपक जरूर लगाए संगवारी हो। और आटा के दीपक लगाए तो एक चीज के मतलब ध्यान जरूर रखे कि ओमन नमक ना हो, और आटा के ही लगाना बहुत अच्छा रीते संगवारी हो। वैसे नहीं, अगर नहीं हो पाए आप मन से तो माटी के भी लगा सकत हो, लेकिन आटा के दीपक लगाना सर्वोत्तम होते, मतलब जो अच्छा होते वो मैं आप मतलब बताता, तो बाकी आप मन अपन सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हो संगवारी हो। आटा के दीपक में का होते ना, दीपदान के सुकून, दीपदान के खुशी मिलते, दीपदान के महत्व तो होते ही, साथ ही साथ जैसे दिया जब शांत हो जाते तो ओला कोई चिड़िया लग खिला सकते हो, मछली लग खिला सकते हो, कोई जीव जंतु जो छोटे जीव जंतु है वो मन ओला खा सकते, तो ओखर भी पुण्य आप मतलब मिलते संगवारी हो। तो आटा के जो दीपक जलाए थे बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा होते, बहुत ही पुण्य मिलते, काबर की ओखर से मतलब दीपदान के पुण्य तो मिलते ही, साथ में अगर कोई जीव जंतु खाते छोटे जीव जंतु है तो ओखर भी पुण्य आप मन ला जरूर मिली संगवारी हो। तो ध्यान रहे कि अगर आटा के दीपक लगाते हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप मन से नहीं हो पाए तो माटी के भी दीपक लगा सकते हो संगवारी हो। तो सबसे पहला अगर आप मन ला आज के दिन सोमवार के दिन दीपक लगाना है, सब बेल पत्ता के मतलब बेल वृक्ष के नीचे आप मन ला दीपक लगाना है संगवारी हो। आटा के उमर नमक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वैसे शहर में बेल वृक्ष मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते संगवारी हो, तो ये मतलब अगर बेल वृक्ष अगर आप मन के आसपास में उपलब्ध नहीं है तो घर में उखर भाव करके भी घर के मंदिर में लगा सकते हो। गुरुजी हमेशा कहते संगवारी हो कि जिसे अगर आप मन के पास वो चीज उपस्थित नहीं है, सामने में नहीं है, तो उखर भाव करके मतलब मन में ओला मतलब याद करके उखर नाम से भी दीपक जलावे तो भी मतलब वहीं पे ही दीपक जलाए जितना ही पुण्य मिलते। तो मन में ही अपन घर के मंदिर में ही मतलब बेल वृक्ष के ध्यान करते हुए दीपक लगा लू संगवारी हो। और दूसरा दीपक आप मन लगाना हावे तुलसी माता का ना। तुलसी माता सालों से मतलब सदियों से पूजनीय रहे है संगवारी हो, आप मन ला तो पता ही है, हम सभी ला पता है कि तुलसी माता बहुत पूजनीय है। तो आज के दिन तुलसी माता का ना दूसरा दीपक लगाना बहुत अनिवार्य है संगवारी हो। और दीपक लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करना है संगवारी हो, एखर से तुलसी माता ला बहुत खुशी मिलते, और साथ ही विष्णु जी ला भी बहुत खुशी मिलते। अब विष्णु जी अगर खुशी मिली तो घर में लक्ष्मी आना शुरू हो जाए संगवारी हो। तो इस तरह से माता तुलसी के आगे दीपक लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करना है संगवारी हो। और तीसरा दीपक आप मल्ला अपन घर के परिंदा में लगाना है। गुरुजी बार बार बोलते कि अपन पूर्वज मल्ला भी खुश करना बहुत जरूरी है, काबर की घर के पूर्वज मन भी देवी देवता तुल्य ही हावे संगवारी हो, देवी देवता जितना ही पूजनीय और तुल्य है, इसीलिए अपन घर के पूर्वज मन ला भी खुश रखना बहुत जरूरी है। तो आज के दिन जरूर करके मतलब अपन जो परिंदा होते जहाँ पे आप मन अपन पिए हुए के पानी रखते हो, वहाँ पे मतलब मटका गुंडी जो भी रखते हो वहाँ पर भी एक दीपक बहुत जलाना बहुत ही जरूरी है संगवारी हो। वैसे तो आज के दिन पीपल पेड़ के नीचे और समी वृक्ष के नीचे भी मतलब दीपक लगाना मतलब बहुत अच्छा माने जाते, लेकिन जो सहूलियत है जो सरल है वो उपाय मैं आप मन बताता हूँ संगवारी हो, बाकी आप मन के मतलब क्षमता के अनुसार है कि अगर आप मन जा सकते हो, काबर की ठंडी एकदम चरम सीमा पे हावे, काकरो क्षमता है काकरो क्षमता नहीं है, मतलब शरीर काकरो साथ नहीं देते, काकरो स्वास्थ्य साथ नहीं देते, तो ऐसे में घर से बाहर निकले के भी जरूरत नहीं है, घर ही में ही ये सब उपाय कर सकते हो आप मन हा, काबर की भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती है तो स्वयं पूरा जगत के माता पिता है, तो ओ मन खुद ही आप मन ला कष्ट देना नहीं चाहिए। तो अगर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पीपल वृक्ष के नीचे और समी वृक्ष के नीचे भी, और अगर नहीं जा सकते हो तो घर में ही जो ये तीन जगह में जो बुलत हो वहाँ पे दीपक लगाऊ ना, तो भी भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा खुश हो ही संगवारी हो, आपके घर में सुख शांति प्रवेश कर ही, घर में माता लक्ष्मी के प्रवेश हो ही संगवारी हो, और साथ ही साथ में रोग और
कर्ज से भी मुक्ति हो, संगवारी हो। तो आज के लिए इतना ही जानकारी मतलब प्राप्त हो रही, संगवारी हो गुरुजी के शब्दों से। तो जो मैं आप मन संग शेयर करे हो, कल एक नया उपाय के साथ हमन मिलबो। गुरुजी के जो भी मतलब जानकारी मिलते मैं आप मन तक जरूर शेयर करता हूँ। सरल से सरल उपाय जिला आप मन घर में भी कर सकत हो, संगवारी हो। तो अगर आप मन ला मोर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दू, शेयर कर दू, सब्सक्राइब कर दू, संगवारी हो। और अपन संगी संगवारी रिश्तेदार मन कन जरूर कर से शेयर करूँ, संगवारी हो। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।